Dear students, today I am going to teach you a new topic, compounds, यौगिक। इससे पहले वीडियो में आपने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा। Dear students, एलिमेंट्स के बारे में आपने क्या पढ़ा कि जितने भी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये इस तरह के जो भी हैं, ये सारे एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं। अब आज आप जो पढ़ रहे हैं टॉपिक कंपाउंड, तो अब कंपाउंड जो है वो इन्हीं तत्वों से मिलकर के कंपाउंड बनता है, यौगिक बनता है। जैसे वाटर है, पानी जो है वो उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, H2O। तो ये दो एलिमेंट से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो ये कहलाता है H2O, तो यौगिक हो जाता है। यानी कि H ये एलिमेंट और O एलिमेंट, दो एलिमेंट मिलकर के, तो अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन कंपाउंड, व्हेन टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स रिएक्ट केमिकली ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड। जब दो या अधिक तत्व रासायनिक एक निश्चित अनुपात में रासायनिक अभिक्रिया करके करते हैं तो एक यौगिक बनाते हैं। जब दो या अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में रासायनिक क्रिया करते हैं तो यौगिक का निर्माण होता है। यहां पर ये बात ध्यान देने की है, when two or more different elements react chemically a compound is formed, तो यहां पर एक निश्चित अनुपात जो है वो जरूर होना होगा। एक जो केमिकली जो रिएक्ट करेंगे वो एक डेफिनेट उनका जो है रेशियो होगा कि कितना कितने एलिमेंट किस अनुपात में मिल रहे हैं। जिस तरह से आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं वाटर का, व्हेन H2 and O2 react यानी कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो कंपाउंड वाटर इस फॉर्म। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जितना तो मिल करके वो एक यौगिक बनाते हैं, तो कंपाउंड वाटर इस फॉर्म कैसे बनता है उसका हम केमिकली आपको रिएक्शन दिखा रहे हैं। 2H2+O2 ये रिएक्शन का होती है, प्लेटिनम कैटलिस्ट, और ये वाटर बन जाता है 2H2O। तो ये यहां पर दो तत्व यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन करके एक यौगिक पानी बना दिया। ये तत्व हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, और ये क्या बना, वाटर।
ये वाटर बन गया। इन वाटर H2O, जो वाटर H2O है इसमें जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक प्रपोर्शन होगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट आर प्रेजेंट इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में मौजूद है, उनका प्रोपोर्शन क्या है ऑफ 1:8, एक अनुपात 8 का अनुपात है यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वाटर के बनने में। तो ये इस तरह से जो अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन एक निश्चित अनुपात मैंने बताया था कि निश्चित अनुपात रासायनिक क्रिया करते हैं, रासायनिक संयोग करते हैं, तो ये अनुपात ये है 1:8 किसका है, जल बनता है, जब वाटर बनता है तो इसका एक निश्चित अनुपात में यदि ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात जो है वो 1:8 के अनुपात में ये क्रिया होती है और जल बन जाता है। इसके एग्जाम्पल्स आपको कंपाउंड्स के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं वो आप सीख लीजिए। कंपाउंड्स में एक तो ये एग्जाम्पल हो गया आपका वाटर वाला, उसके बाद सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड NaCl, ये क्या है, ये एक यौगिक है। इस तरह से अमोनिया, अमोनिया NH3, इस तरह से NH4Cl, यह है अमोनियम क्लोराइड CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड HNO3, नाइट्रिक एसिड और NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये सारे क्या हैं, ये सारे के सारे कंपाउंड्स हैं, यौगिक हैं। डियर स्टूडेंट्स, यू विल वेल अंडरस्टैंड अबाउट कंपाउंड। कंपाउंड्स आर व्हेन टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स रिएक्ट केमिकली ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड। एग्जांपल्स ऑफ कंपाउंड्स वाटर NaCl, NH3, NH4Cl, CaCO3, H2SO4, H2O3 and NaOH. Thank you. Take care.